न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी की इंदिरा कॉलोनी में आनर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने लव मैरिज करने वाले प्रेमी के चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। सिटी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लड़की के पिता व भाई सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। यह वारदात उस समय की गई जब रात को भारत वेस्टइंडीज के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच चल रहा था। शहर की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले 26 वर्षीय जोगिंदर और बंटी ने गत 24 फरवरी को अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती से लव मैरिज की थी। लड़की के परिजन इस लव मैरिज के खिलाफ थे। दोनों के घरों की दूरी मात्र 10 मीटर बताई जाती है। किसी अनहोनी के डर से जोगिंदर अपनी पत्नी को साथ लेकर कुछ समय के लिए कलकत्ता चला गया था। वे वहाँ छिपे रहे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें लगा कि मामला शांत हो गया है तो वे इंदिरा कॉलोनी लौट आए। पिछले 4 माह से दोनों राजी खुशी रह रहे थे, लेकिन लड़की वालों के दिल में सुरग लगी आग ठंडी नहीं हुई थी। रात 11:30 बजे भारत वेस्टइंडीज के बीच वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था तो कॉलोनी में सन्नाटा छाया हुआ था। इसी दौरान जोगिंदर टहलने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला तो घात लगाकर बैठे 4 युवक उस पर टूट पड़े और उस पर हमला बोल दिया। एक युवक ने पहले उसके सिर पर पिस्तौल की बट मारी और फिर 3 युवकों ने चाकू से उसके पेट में अनेक वार कर दिए, जिससे जोगिंदर वहीं ढेर हो गया। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। जोगिंदर को ट्रामा सेंटर में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों में लड़की के पिता गोवर्धन और बबली भाई अनूप, दोस्त मोहित व मोहित के मामा का लड़का जाटूसाना निवासी तेजपाल और मोनू शामिल है। मोहित नाबालिग है। सूचना के बाद सिटी पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस का कहना है कि मृतक के छोटे भाई चंदन की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। देर रात ही हत्याकांड में शामिल चारों आरोपियों अनूप गोवर्धन और बबली नाबालिग मोहित तेजपाल और मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों ने वारदात में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद करवा दिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जनवरी को भाई क्या कहते थे? भाई ऐसे कहते थे मैं मारूंगा मैं तो तुम्हें दोबारा आएगी। सारे भाइयों ने मार दिया, एक बार पहले भी मारा था। मेरा मुकेश सर, क्या क्या हुआ था रात को? रात को सर मैं मंदिर के पास बैठा था। हमारे यहाँ मोहल्ले मंदिर है और वो मंदिर के कोने पे खड़ा था तो 4-5 लड़के आए। बबली नाम है और लोकेश है, अनूप है और मोनू है और क्या नाम था उसके बाद बबली आया, उसके सर में ईंट मारी। पहले सर में ईंट मारने के बाद जैसे वो भागने लगा तो उसको पकड़ लिया ऐसे पीछे से। उसको नीचे गिरने के बाद उन्होंने फिर कई चप्पू मारे उसके। कितने लोग थे? वो थे जी 5-6 जने थे। चाकू पत्थर से उस पर हमला किया? हाँ जी। उसको छुड़ाने को भी आपको चोट आई? हाँ, मैं इसे छुड़ाने गया तो मेरे ऊपर ही हमला करा। ये मेरा लग रहा। फिर वो कैसे कब भागे वो? उसके बाद उसको घेरने के बाद वो भाग गए। मंदिर की लाइट ऑफ कर दी उनने अंधेरे में, जब उनने उसके साथ वारदात की है। अंधेरा करके मारा? अंधेरा। क्यों मारा है? सर ये पहले से कोई उनकी लड़की थी तो उसके लोग मैरिज कर रखी थी, इस वजह से वो कई दिनों से उसके चक्कर में लग रहे थे मारने के। तो उन्होंने वारदात करी उसके साथ, उसके यहाँ की हड्डी भी तोड़ी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने आके पहले लाइट मंदिर की लाइट बंद करी, अंधेरा करके जब उसको मारा। क्या है इसमें अभी अपडेट जो आज मर्डर हुआ है? ये आपको जितेंद्र बंटी का मर्डर चाहिए उससे कहा नहीं था कि बंटी ने मेरी आपको रात 4 आदमी उसको
हमारे एसटीसीपी जब पता है कार्रवाई करते हुए पहले एफ आई आर दर्ज की, डेड बॉडी को हॉस्पिटल पर लाया, उसके बाद प्रभाव जो बच्चों को राउंड अप करवाया, उन्होंने पूछताछ में वारदात को स्वीकार किया, आज उनको भी गिरफ्तार करेंगे। पूछताछ किस किस ने मारा सर उस पर, जैसे आरोप ज़्यादा पे लगा? चार आदमी थे, बबली, अनूप, मोहित और तेज। अनूप, ये क्या लगते हैं इसके? बबली, मोहित, अनूप, तेजपाल। तेजपाल जी अनूप की बहन है, बबली की बेटी है, ये दो इनके रिलेटिव हैं। तो वजह क्या रही सर इसके पीछे? लव मैरिज केस में बबली की लड़की के साथ जितेंद्र ने जनवरी में लव मैरिज, उस बात को लेके इतना तनाव कर दिया था, रात में उन्होंने मौका देखिए इसको मदद कर दिया। बड़े सुरक्षा वगैरह कोई नहीं बात रखी थी नहीं, इस बारे में ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस के पास ना पहले कोई कंप्लेंट है और ना ही उन्होंने इस बारे में कोई सुरक्षा मांगी। दौरान अभी हमने उनसे पूछताछ कर ली, भरने वाला ये सारे ही करते हैं,